तो 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है, जहां ईडी की रेड इस वक्त भी हो रही है। उनमें सीएम केजरीवाल के निजी सचिव भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी लगातार चल रही है, तो रिएक्शन इंडिया गठबंधन की ओर से भी सामने आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। अवैधानिक सरकार, असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है, क्या वो डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बातें तो करती है डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के मर्डर के बारे में, लेकिन डेमोक्रेसी बचाने के लिए और जो डेमोक्रेसी के मर्डरर है उनको फांसी पर लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? ये हमारा सवाल है जनता की तरफ से। ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए है ना? पूरे देश में इस प्रकार का माहौल है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात जो आप कर रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी आप सड़क पर उतरना चाहिए देखने के लिए कैसा मर्डर हो रहा है डेमोक्रेसी का। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है आतिशी जी? ईडी की रेड हुई है, वो दिल्ली जल बोर्ड में एक जो घोटाला है उसके तहत हुई है, जो उसकी गिरफ्तारियां हुई है, जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल की जो गिरफ्तारी हुई है और जो कस्टडी में है ईडी की, उसके तहत ये रेड्स आपके घर के, आपके तमाम नेताओं के घरों में हुई है। जिस डिपार्टमेंट में हाथ लगाओ उस डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, और दिल्ली जल बोर्ड को इससे अछूता नहीं है, तो हम बार बार कहते आ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो रेड है कानून के तहत हो रही है, कानून का सम्मान करना सीखिए। तो देखिए, ईडी का एक्शन और उस पर रिएक्शन दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये है, दिल्ली मिशन पर ईडी आपकी मुश्किल बढ़ी, वो सवाल दिखाते हैं आपको। दरअसल ईडी किस तरीके से एक्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, दोनों ही साथ साथ चलते हुए, एक तरफ आरोप और एक तरफ एक्शन। दिल्ली मिशन पर ईडी आपकी मुश्किल बढ़ी, ये सवाल। और विनोद जी, यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ईडी की कार्रवाई भी लगातार चल रही है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की परेशानी जो है वो दिन ब दिन और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से परेशानी तो बढ़ी रही है भाई, उनके आम वरिष्ठ नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन लगातार जेल में हैं, और जिस तरह से अभी कार्रवाई हो रही है तो इसमें कौन कौन लपेटे में आएगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल को लगातार संबंध मिल रहे हैं, अब तो ईडी ने कोर्ट में भी जाके दाखिल की अर्जी कि भाई कोर्ट से आदेश हो ताकि उनसे पूछताछ हो। हेमंत सोरेन की जैसे गिरफ्तारी हुई है तो उसको देख के लगता है कि घेरा अरविंद केजरीवाल की तरफ भी घिर रहा है, और जाहिर अगर अरविंद केजरीवाल पर घेरा पड़ेगा तो आम आदमी पार्टी की मुश्किल और बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से बड़ा राजनीतिक संकट का दौर है आम आदमी पार्टी के लिए। अब वो कैसे इसका मुकाबला करती है, उसके तमाम नेता जो है वो कैसे गिरफ्त होते हैं, जिस तरह अभी तो बड़ा आक्रामक एक ऑफेंसिव रुख अख्तियार किया आम आदमी पार्टी ने, आतिशी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी को कटघरे में खड़ा किया है, तो वो लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरा लड़ाई को कानूनी रूप से और जनता के बीच में भी ले जाने के लिए तैयार है। और अभी संजय राउत का मैं बयान सुन रहा था तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी शायद आम आदमी पार्टी के समर्थन में सामने आ सकते हैं। तो अगर ये बात हुई तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। ठीक है प्रदीप जी, ये दोनों ही साथ चल रहे हैं क्या? ना तो ईडी की कार्रवाई रुक रही है, ना आपके आरोप रुक रहे हैं ईडी पर। नहीं, अभी जो आपने सुनाया आतिशी के बयान वो बड़े बेतुके लगते हैं। देखिए, ईडी का जो कानून है उसके मुताबिक ईडी के सामने जो गवाही दी जाती है वो तीन तरह से रिकॉर्ड होती है। एक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और फिर राइटिंग में आपसे लिखवाया जाता है वही स्टेटमेंट। और ये तीनों अदालत में जो है एविडेंस के तौर पर पेश होते हैं। इस पर कोई शक नहीं होता, पुलिस की तरह नहीं होता कि पुलिस एविडेंस या बयान पेश करे और अदालत कहे कि इसको साबित कीजिए। ईडी के मामले में वो एविडेंस माना जाता है। और अब आतिशी कह रही कि ऑडियो नहीं है, जो वीडियो पेश किया गया है, भाई वो तो केवल अदालत को सबमिट किया जाता है। अगर अदालत को मालूम नहीं है और आतिशी को मालूम हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर ऐसा सचमुच ईडी ने किया है तो अब तक तो अदालत उल्टा लटका चुकी होती ईडी को। और आप देखिए, मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए थे तब इसी तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। 6 या 7 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके मनीष सिसोदिया रिलीफ के लिए, एक बार भी रिलीफ नहीं मिली। इन सब आरोपों के साथ जा चुके हैं, लेकिन कहीं किसी न निचली अदालत से न सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिली है।
तो मामला ये है कि देखिए, अब पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो पर आते थे बोलते थे कट्टर ईमानदार हूँ, वो भी बोलना बंद कर दिया है। बात कुल ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसकी जो जांच हो रही है उसमें एविडेंस मिलेगा तो उसका आपको सामना करना पड़ेगा। आपके दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में शराब घोटाले में जेल में हैं और किसी अदालत से उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिली है। तो आप ईमानदार हैं इसका सर्टिफिकेट केवल अदालत दे सकती है, आपके कहने से या बीजेपी या किसी और पार्टी के आरोप लगाने से या केवल जांच होने से, ईडी की जांच हो रही है इसलिए आप दोषी नहीं हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ आरोप अगर एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलता है, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किल बढ़ेगी। जो भ्रष्टाचार हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो तो तब सामने आएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी तो तब होगा जब जांच पूरी हो जाएगी। इसी बीच एक और सवाल है, खरीबियों पर ईडी का छापा, केजरीवाल पर कसेगा क्या शिकंजा? देखिए लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेताओं पर एक्शन हो रहा है, अब सवाल ये भी कि क्या केजरीवाल पर भी ये शिकंजा कसने वाला है अभय जी? नहीं नहीं, मेरा तो आकलन ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने की पूरी योजना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, और उनके पास अपने उसके गिरफ्तारी के पक्ष में वो अपने सबूत वगैरह रखेंगे, वो तो सामने आएगा तब पता चलेगा। अच्छा, मैं इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जितनी भी पार्टियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है उन सब लोगों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इनका बेजा इस्तेमाल कर रही है उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए। केवल आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह की रणनीति अपनाई है, उन्होंने इसके ऊपर एक कानूनी सवाल उठाया है। वो कानूनी सवाल किस हद तक जाएगा, कहाँ तक कामयाब होगा, ये मुझे नहीं पता है, मैं कानून का विशेषक भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी रणनीति दूसरों से अलग है। उनका कहना है कि ईडी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं, तो जब और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे नहीं, अगर सही कानून के मुताबिक संबंध होगे तो हम आएंगे, बात करेंगे, हम तो वो उसमें ईडी को भी देखिए, उसका फायदा भी तो नहीं हो रहा ना। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी किसी के खिलाफ कोर्ट गई है कि ये हमारा संबंध नहीं स्वीकार कर रहे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी और दूसरे के मामले में। तो ईडी को भी कुछ दूसरे तरीके से कार्रवाई करनी पड़ रही है, उसको भी कुछ और सोचना पड़ रहा है इस रणनीति के मुकाबले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रणनीति 100% कामयाब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, ये मेरा विषय नहीं है, ना मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन जो रणनीति है वो रणनीति दूसरी पार्टियों से भिन्न है, मैं केवल इसको रेखांकित करना चाहता हूँ। लेकिन इसका फायदा या फिर नुकसान ये किसको हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो फिर सामने चुनाव भी है, ऐसे में तो और दिक्कत बढ़ने वाली है। ABP News आपको रखे आगे।